लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो करवो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बहुत मजे का है। हाँ बाबा, पेट भर गया? नहीं। क्या हुआ बाबा सीमा, तुम कुछ खा नहीं रही हो? ये कुछ छोड़ेगी तो खाऊंगी ना। अरे बाबा मैं कुछ छोड़ूंगी ही नहीं, जिसको खाना खुद ही मंगा ले। क्या चीज है तुम्हारी बहन? अरे बाबा चीज कहाँ है बेचारी, ना चीज है। इसे क्या मजे लेके गपड़ गपड़ खाई जा रही है? अरे बाबा खाने दो उसे, बेचारी वैसे भी खाती कहाँ है, अभी तक एक डबल रोटी भी नहीं खाई है उसने। डबल रोटी बड़ी मुश्किल से छोड़ी क्योंकि 15 खा चुकी है पहले वो। अरे बाबा जरीना तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो बाबा? बाबा मैं खाते पे बात नहीं करती, मगर बात करते करते खा लेती हूँ। देखो ये मेरे खाने पे नजर लगा के बैठी है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यदि तू मक्खन लगा के खा ले। हाँ मक्खन लगाने में तो माहिर है। बस बाबा अभी मैं और खाया नहीं चाहता बस। क्यों, अभी और खाने का इरादा था आपका? अरे बाबा पागल समझा भाई क्या, सारा अभी खा लूंगी तो बड़ा दोपहर में क्या खाऊंगी? 2 बज रहे, दोपहर ही हो रही है। अरे बाबा मैं रात के 2 बजे वाली दोपहर की बात कर रही हूँ। रात के 2 बजे कौन सी दोपहर होती है? पागल आगल हो गई हो क्या? अरे पागल हो गई हो क्या, कहीं ना कहीं तो दोपहर के 2 बज रहे होंगे ना। देखो तो सही, चाय पी लूं। करे दिमाग ठीक है इसका? देखा बाबा कितनी ज़हीन है मेरी बेहत, क्या बात की है उसने। जी जी जी। वाह रे पतीली वाह, क्या चीज है, तेरे बड़े आसान आते हैं हम पे, पूरी दुनिया बदल गई, बदली नहीं तो एक तू नहीं बदली। वाह रे पतीली वाह। मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार। जानी भला क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, किससे बातें कर रहे हो? पतीली से। अरे बाबा अगर पतीले ने देख लिया तो? वो देख ही नहीं सकता क्योंकि बर्तनों के नीचे दबा हुआ। अच्छा भला ये बताओ कि तुम क्या बना रहे हो? सर में दर्द है, चाय बना रहा हूँ। मैं भी पीऊंगी। तुम्हारे भी सर में दर्द है? अरे नहीं तुम्हारे सर में दर्द है? सर में मेरे दर्द है, चाय आप पीएंगी? अरे बाबा यही चोटका है, आजमा के देखो बहुत फायदा होगा। वाह भाई वाह, डाइनिंग टेबल से उठ के सीधा किचन में आ गई तुम? क्यों भला मेरा क्या आना मन्ना है क्या? बात करना बेकार। जानी चाय बन गई? बना रहा हूँ। पहले मैं पीऊंगी। क्यों, मैंने बनवाई है, नाश्ते में भी ठंडी चाय पीनी पड़ी। अरे बाबा पहले मैं आई हूँ तो पहले मैं पीऊंगी। अरे भाई क्या हो गया? मक्खी गिर गई। ये चाय जरीना को ही दे दो। क्यों भला, मक्खी क्या मेरे ताई की बेटी लगती है क्या? मैंने नहीं पीना, ऐसे करो के सीमा को ही पिला दो, मेरे को पीने की जरूरत नहीं है, मेरे पेट में दर्द है। सुनो 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 सुनो, सीमा मैडम आपके लिए निकाल दूं? नहीं अब नहीं चाहिए, थैंक यू। मर्जी है आपकी। अजीब बेवकूफ लोग हैं, काली मिर्ची को मक्खी समझ रहे हैं। जी भाई कौन? पानी पानी है क्या? हाँ बहुत पानी, सीवी चलो। देखे मैं इमरजेंसी में, मेरी एम्बुलेंस खराब हो गई है, एम्बुलेंस में मरीज आखिरी सांसें गिन रहे हैं। लगता है मरीज मैथ्स में बहुत अच्छा है। भाईजान पानी दे दें प्लीज। ऐसे थोड़ी, पहले मरीज दिखाओ। चलिए दिखा देता, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या आपसे? वैसे एक बात कहूँ, आप भी मरीज से कम नहीं लग रहे। आइए खाया क्या रो? आओ चलो। Thank you.
अरे यार अजीब आदमी हो तुम तो कह रहे थे कि वो आखिरी सांसें गिन रहा है। अरे वो तो तड़प रहे। अरे बाबा क्या हो गया, सब खैर तो है? अरे कुछ नहीं, एम्बुलेंस खराब है और मरीज तड़प रहा है। अच्छा बाबा ठीक है, बाकी और तो कोई मसला नहीं है ना? कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं। यार तुम किस किस्म के लोग हो, मर जाएगा वो। अबे हम तुझे क्या घूरकर लग रहे क्या? अरे बाबा जानी, ये तो मशहूर टीवी एक्टर बाबा औरंगजेब लगा रही है। अरे अल्लाह पाक की कसम हुई है। अरे बाबा जानी मोबाइल है तेरे पास, मोबाइल निकाल। क्यों? अरे बाबा सेल्फी लेनी है ना। यार बड़ा ही कोई अजीब आदमी है, वो बीमार पर ठीक तो होने दो। जानी एक काम करते, इनको अंदर लेकर चला। अंदर अस्पताल है क्या? हर वक्त तफा रहता है क्या? अबे भाई मरीज है, अंदर ले जाएंगे, दूध चाहिए, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, हो सकता है तबीयत कुछ बेहतर हो जाए। आप एक काम करें, जब तक दूसरी एम्बुलेंस का बंदोबस्त करें। ठीक है जानी बाबा, हाथ लगाओ बाबा। अरे साहब उठे। अरे बाबा मारो स्प्रे, मारो बाबा, बस करो बाबा बस। अरे बाबा उठ रहा है, बस करो। मैं कहाँ हूँ? खोली नंबर 15, बेड नंबर 5। क्या? अरे बाबा ये बताओ आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं यहाँ 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 कैसे आया? अरे बाबा हमारे घर के बाहर ना एम्बुलेंस खराब हो गई थी बाबा, आप उसमें तड़प रहे थे, हम आपको अंदर ले आए घर के। तुम मुझे जानते हो? अरे आपको कौन नहीं जानता, बड़े मशहूर एक्टर औरंगजेब लगारी साहब है। मैंने इतनी आपकी फिल्में देखी है, ब्लैक एंड व्हाइट वाली भी देखी है मैंने। अरे बाबा मैंने तो आपकी वो फिल्म भी देखी थी, नाम तेरा बदनाम। वो नाम गलत ले लो, नाम मेरा बदनाम। हाँ बाबा वही देखी, वो भी गलत। हाँ बाबा आप तो बाबा एम्बुलेंस में थे, एम्बुलेंस खराब हो गई बाबा, अगर हम आपको अंदर नहीं लाते तो आप भी थोड़ी देर में खराब हो जाते बाबा। ये क्या किया तुमने, क्या किया तुमने? मैं जीना नहीं चाहता, मैं नहीं जीना चाहता बाबा। ये डायलॉग तो हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं, कोई नया डायलॉग बोलो बाबा। ये डायलॉग नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। क्यों लगा साहब, ऐसा क्या हो गया? हाँ बाबा पहले ये बताओ कि तबीयत कैसे खराब हुई बाबा, क्या खाया? धोखा। हाँ किससे? सहरिश हयात से, उसने मुझे धोखा दिया। मैं नहीं जीना चाहता, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सर हमने पकड़ा कब है? मैं मरना चाहता हूँ और अपनी सारी दौलत नीलाम कर दूंगा। अरे बाबा ये अगर यहाँ मर गए ना बाबा, हम सब फंस जाएंगे। जानी कुछ करो बाबा। एक काम करते हैं। क्या क्या बाबा? इनकी सारी दौलत अपने नाम करा लेते हैं, फिर मर भी जाए तो अरे आपस में बैलेंस कर लेंगे। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? हम ऐसे आपको मरने नहीं देंगे लगारी साहब। बाबा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना, हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। जाओ जानी बाबा, इनके खाने का बंदोबस्त करो बाबा, जाओ। हाँ लगारी साहब अब बताओ बाबा, बात क्या है, मसला क्या है? तुम फिर शुरू हो गए, कितनी देर लगाए तुम मेरी चीजों का हाथ मत लगाया करो। अरे बाबा गौर से देखो, हाथ में नहीं मुंह पे लगा रही हूँ, मुंह पे। अरे 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 आप दोनों यहाँ है, आपको पता है हमारे घर में कौन आया? क्यों अब फिर कोई गांव से आ गया? अरे भला तुम गांव का नाम सुनते इतना चढ़े क्यों जाती हो? गांव वालों ने क्या भला तुम्हारी बकरियां चुरा ली हैं? सीमा मैम आज ना हमारे घर में वो मशहूर एक्टर नहीं है औरंगजेब लगारी, वो आए हैं। अरे पापा वो तो मेरे बहुत बड़े फैन है। क्या? हाँ अब मेरा मतलब है कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो वैसे यहाँ क्या करने आए? अरे बाबा हो सकता है कि ड्रामा में मुझे काम दिलाने के लिए आए हो। जाने जाके चेक करो, जरूरी तो नहीं कि लोगारी साहब हो सकता है कि कोई बहरूपिया कोई ड्रामेबाज हो। अरे ड्रामो में ही तो आते हैं। अरे यहाँ कैसे आए? एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस भला क्या एम्बुलेंस चलाता है? ओहो तुम तो चुप करो, असल में उनको हार्ट अटैक आ गया था तो एम्बुलेंस से वो अस्पताल जा रहे थे, तो एम्बुलेंस हमारे घर के सामने खराब हो गई। तो तुम उन्हें यहाँ ले आए अस्पताल ले जाने का बजाय? एक बात बताओ क्या हमारा घर किसी चौरंगी पे है? नहीं। तो फिर हर कोई घूम फिर के हमारे घर पे क्यों आ जाता है? चलो भला मैं देख कर आती हूँ। अरे खबरदार जो उनको तंग किया, वो मेहमान है हमारे। अरे पापा हम भी मेजबान है। जानी जा जाके देख, ये जरूर बेइज्जत कराएगी हमें। ओ दरीना। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। अरे लगारी साहब छोड़ो उस सहरिश हयात को बाबा, क्यों एक लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? साथ जीने मरने के वादे किए थे, इकट्ठे जीने मरने की कसमें खाई थी। अरे बाबा कसम खाने वाला तो झूठा होता है। किसने कहा? अरे बाबा हमारी अम्मी कहती थी। लेकिन वो तो मुझसे प्यार करती थी। बाबा प्यार झूठा होता है।
किसने कहा? बाबा हमारी अम्मी कहती थी। लेकिन वो तो मुझ पे मरती थी। बाबा कोई किसी के लिए नहीं मरता। किसने कहा? वो हमारी अम्मी कहती थी। अबे सारी बातें अम्मी कहती थी, अब्बू कुछ नहीं कहते थे, गूंगे थे क्या? नहीं बाबा, अब्बू तो बेचारे बेवकूफ से थे। कैसे बता? बाबा ये भी अम्मी कहती। बस कर दे यार, खबरदार जो अम्मी की बताई हुई कोई बात और की तो। अरे बाबा तो फिर आप भी तो छोड़ो ना उस सहरिश हयात को, दूसरी देखो, दूसरी ना मिले तो तीसरी देखो, नहीं तो चौथी, नहीं तो पांचवी, नहीं तो छठी, नहीं तो। ये भी अम्मी कहती थी? नहीं बाबा, ये तो हमारे अबू कहते थे। है? तुम्हारे अबू भी बोल पड़े? मैं तो सहरिश हयात के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे किसी को प्यार से एक नजर देख भी नहीं सकता। अरे लगारी साहब, लगारी साहब, ये मेरी बहन जरीना है, सारी शायद नहीं है। लगारी साहब आइए बाबा, आइए बैठे। आपका नाम? जरीना। औरंगजेब? अरे बाबा लगारी भी है, लगारी। औरंगजेब लगारी, आप जानती हैं मुझे? हा? हाँ बाबा, मैंने तो आपके बहुत सारे ड्रामे देखे, वो खास तौर पे वारिस, वारिस मैंने बहुत शौक से देखा। अच्छा, दिल्ली इस वक्त वगैरह पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, आपके बहुत सारे सारे ड्रामे बहुत अच्छे। यही तो वो चेहरा है जिसे मैं ढूंढ रहा था। क्यों भला, क्या मैंने आपकी जेब काटी है? अरे नहीं नहीं भाई, मुझे दरअसल किसी हीरोइन की तलाश थी। सच? मुझ? अरे लगारी साहब, सब ठीक ठाक करिए, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अरे यही तो वो चेहरा है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये तो जरीना है, आप तो सहरी शयात को नहीं ढूंढ रहे थे? हाय बच्चों, कौन सहरी शयात? अब तो यही मेरी शरीक हयात। लेकिन आपका रास्ता तो वो है। मगर मेरी मंजिल तो ये है। लेकिन आपका दिल तो वो है। मगर मेरी धड़कन तो ये है। लेकिन आपकी जिंदगी तो वो है। मेरी तो मौत भी यही है, जिंदगी भी। ये आपका आखिरी फैसला है? बिल्कुल, अब जरीना के सिवा मेरी जिंदगी में कोई आ ही नहीं सकता। जानी, 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 जानी भाई। जी। क्या बाहर कोई हसीन लड़कियों का ट्रक लट गया? नहीं तो? तो फिर ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ये हसीनाएं कैसे आ रही हैं यहाँ? आप हैं कौन, हुस्न की मलका? क्या बकवास कर रहे बच्चों, बच्चों! ओ सुनिए सुनिए तो, क्या हो गया इस बाबे को? एक जानी, जाले जा, भाजा ही था जवाई, शुकुरा। ओ कौन, मेरे पीछे पड़ गया? मैं अंदर आ सकता हूँ? खबरदार, अपने घर में एक्टर हो गए तुम, समझ में आई? यहाँ पे मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की ना तो मैं सर तोड़ दूंगी तुम्हारा। मत तोड़ी, क्या बादाम निकल आएंगे? क्या बकवास कर रहे हो? ओ वाह वाह, क्या आवाज है, क्या डिलीवरी है और क्या शक्लो सूरत। अरे एक दफा कैमरे के सामने आ गई ना तो छा जाओगी, छा जाओगी, स्टार बना दूंगा। ओहो, पर मैं एक्टर बनना ही नहीं चाहती। बनने की क्या जरूरत है, आप तो पैदाइशी एक्ट्रेस है ना। पैदाइशी मेंटल भी हूँ। उठाओ चप्पल, उठाओ चप्पल। देखे देखे, मेंटल चप्पल नहीं उठाते, पत्थर उठाते, पत्थर। ओहो, यहाँ पत्थर है नहीं ना, तो फिर रख लेना दिल पे पत्थर और कह दो हाँ। अरे बाबा, कौन सी यहाँ, कैसी यहाँ? हाँ बच्चों देखो ना, मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे बाबा, बिला वजह पीछे क्यों पड़ रहे हो, गलत बात होती है बाबा, वजह होनी चाहिए तो ठीक होता है। बच्चों, मेरा मतलब है, क्या कर रहे हैं लगारी साहब, ये मेरी बीवी है सीमा, आप शायद इसको सहरिश हयात समझ रहे हैं। ये आपकी बीवी है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। बाबा क्यों, ना शक्लें मिलती है ना होलिया मिलता है। अरे बाबा दिमाग तो ठीक है, सीमा तुम अंदर जाओ। मैं अंदर ही हूँ, आप इन्हें यहाँ से बाहर करो। देखो मियाँ, हमारी मोहब्बत के बीच में मत आए ना। हैं? मोहब्बत? ये कब हुई मोहब्बत बाबा? कब हुई? अभी अभी, ये देखो मैंने
तोहफे में चप्पल भी दिए। सीमा क्या कह रही है, ये चप्पल कहाँ से आई, ये चप्पल और किसने दी ये चप्पल, और ये क्या कर रही है तुम्हारे हाथ में चप्पल? वो बताऊं बताऊं क्या कह रही चप्पल, मैं ना कौन हो भाई? अस्सलाम वालेकुम, मैं शाह फैसल हूँ। वालेकुम अस्सलाम शाह फैसल, पाकिस्तान कब तशरीफ लाए आप? याद नहीं, अब्बा और दादा आए थे। अब्बा और दादा आए थे लेकिन खबरों में तो नहीं आया। हो सकता है उस वक्त लाइट गई हो। बहरहाल शाह फैसल साहब, यहाँ कैसे आना हुआ, तेल लेने आए होगे? नहीं जी, मैं तो गैस के लिए आया हूँ। गैस? अरे गैस की कोई टेंशन नहीं, गैस बहुत है। वैसे एक बात बताओ, ये प्लांट लगा कर रहे हो? आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो गैस का बिल देने आया हूँ। गैस का बिल? लेकिन आप तो कह रहे थे कि मैं शाह फैसल हूँ। मेरा नाम शाह फैसल है। सऊदीया से नहीं आए? नहीं भाई, मैं तो 15 मलीर से आया हूँ। लो गैस का बिल दो। हे कितने का है भाई, तरह देखे तो 20,000 रुपए। अबे भाई, क्या दोजख की लाइन भी हमारे घर से ली हुई है? हो सकता है भाई, इतना बिल हम नहीं दे सकते। ठीक है, आपकी गैस काट दी जाएगी। लाइन नहीं काटो, ये बताओ आखिरी तारीख क्या है? 31। अच्छा, तनख्वाह आती है 32 को और 33 को है छुट्टी। अच्छा, फिर 34 को लाजमी भर देना। गुड आइडिया, ठीक हो गया। गुड आइडिया। खटखटाता रहा बेटा, खटखटाता रहा। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। अरे यार तोबा है भाई, बहुत बड़ा एक्टर, जहां देखता है तरी वहीं बिछा देता है दरी। अरे लखारी साहब, आप यहां छुपे बैठे? बच्चों की बीवी मेरे पीछे पड़ी हुई है, लगता है मुझे मार डालेगी। आपने जरूर उनको छेड़ा होगा। नहीं, मैं भला किसी लड़की को कैसे छेड़ सकता, मैं तो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ना ना जानी, ओ जानी किधर हो तुम, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ओ तुम आ गई, मैं तो तुम्हारे बारे में कब से सोच रहा था। अरे बाबा, मैं भी आपको कब से ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बैठे हो। 1,000 का नोट है क्या? भला तुम चुप करोगे तो मैं बताऊंगी ना। ये तो बताएं कि मैं ड्रामों में काम कर सकती हूँ, स्टार बन सकती हूँ, स्टार। ऐसी आजी? अरे जब तुम मेरे साथ बड़े पर्दे पर आओगी ऐसे तो लोगों के कान के पर्दे फट जाएंगे। और जब समंदर में तुम पानी में डूब रही होगी तो मैं पानी में छलांग लगाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। और हाँ, और जब आप छलांग लगाएंगे ना तो समुद्र नाक पे हाथ रख के बाहर निकल जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास तो आप कर रहे हैं, हमदर्दी में आपकी जान बचाई, उल्टा आप मेरी ही जान के पीछे पड़ गए। जाने के कितने लेंगे आप? चले जाएंगे लेकिन अपनी जान को साथ लेकर। अबे उठा तो जा नहीं रहा, जान को साथ लेके जाओगे? एक काम करें, सीमा की तरफ चलते हैं। नहीं, उसके हाथ में चप्पल है, चप्पल ना 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 इसलिए लेके जाओ। चले, मैं आता हूँ। अबे फैसल, ये खट्टा मीठा उसमें क्या सीन चल रहा है? यार लगता है शायद कोई आया हुआ है, सुबह से कुछ हलचल तो है। अबे खुफिया जराए से पता चला है कि कोई एक्टर आया हुआ है। अच्छा, मेल है या फीमेल? अबे चल ठरकी, अभी एक ईमेल करूंगा फिर पता चलेगा क्या मेल है या फीमेल। जरा बात सुनना। ए मोबाइल छीनने की कोशिश की ना तो। मैं क्या शक्ल से आपको मोबाइल चोर लगता हूँ? नहीं मोबाइल चोर तो नहीं है, मोटरसाइकिल चोर है। लेकिन यार भाई देख, कसम से हमारे पास बाइक नहीं है। तो ले लो, अब तो वैसे भी आसान किस्तों पे मिल रही है। ठीक है, डन हो गया, एडवांस तुम कर देना, किस्त हम भर लेंगे। कौन सा एडवांस, मैं तो तुम लोगों को जानता भी नहीं हूँ। एडवांस के लिए जानना जरूरी है क्या भाई? कोई इंसानी हमदर्दी भी होती है चीज यार। भाईजान मैं यहाँ एडवांस भरने नहीं आया, मैं यहाँ किसी को ढूंढ रहा हूँ। मशहूर एक्टर औरंगजेब लगारी साहब को आपने देखा है? यार यहाँ तो नहीं देखा, टीवी में देखा है। लेकिन यार ये पता है कि खट्टा मीठा हाउस में एक एक्टर आया हुआ है। कौन सा घर है? यार यही है सामने वाला। ये सामने? हाँ। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं भाई, बाबू जी। भाई कौन? जनाब मुझे नदीम कहते हैं। शबनम को ढूंढने आया हो क्या? जी नहीं, शबनम को तो बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ लगारी को ढूंढने आया हूँ। औरंगजेब लगारी? जी 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 वही।
मैं यहाँ पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहा हूँ, वो यही है। हाँ हाँ यही है। अरे यार उन्होंने तो मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। यार बहुत अच्छा हुआ तू आ गया। आ जा उनको ले जा भाई। जरीना 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 अरे जरीना 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 देखो देखो तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अरे बाबा बाबा मैंने भला कौन सा तुम्हारा वादा किया है? सीमा सीमा देखो तुम्हारी मोहब्बत के साथ हो क्या रहा है? क्या कौन सी मोहब्बत? पागल तो नहीं हो गए आप? अरे बाबा सीमा क्या हो गया? क्या कह रहा है ये? देखे ना। अरे चलो जरीना इससे पहले कि पुलिस आ जाए हम भाग चलते हैं। अदा मुझे लगता है बेचारा पागल हो गया है। अरे रुक जाओ सारे सारे रुक जाओ। लगारी साहब देखे कौन आया? लगारी साहब हिलना नहीं। ए मोहब्बत का दुश्मन फिर आ गया तू? मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, छोड़ूंगा नहीं किसी को। अरे बाबा आप हो कौन? जनाब मैं पागल खाने से आया हूँ। ये जो लगारी साहब है ना ये पागल हो चुके हैं और पता है क्यों? क्योंकि शहरी हयात ने इन्हें शादी से मना कर दिया। अब जब से ये किसी लड़की को देखते हैं उनके प्यार में पागल हो जाते हैं। मुझे तो पहले ही शक था। आप सब लोग भी होशियार हो जाएं, ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ए, खबरदार खबरदार जो मुझे हाथ लगाया मैं एक एक का गला घूंट दूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। अरे बाबा पकड़ो। अरे बाबा इस हसीन चेहरे का जवाब नहीं कहीं। बाबा 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 आगे आगे। शेर थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ। होती कोई बदतमीज हो तुम वैसे। बात तो तुमने ठीक बोला लेकिन मिसाल सारा गलत। क्या करूँ शायर हूँ कवाल थोड़ी ना हूँ। कवाल का मिसाल से क्या तालक है? शायरी मेरा काम है, गालिब मेरा नाम है। अदा कब से उल्टे सीधे शेर सुना सुना कर मेरे को मुतासर करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अरे बाबा सुनो, हमें पता है कि शायर जो होते हैं ना वो आशिक मिजाज होते हैं, लेकिन बाबा जरीना जो है ना मेरी बहन है, जरा एहतियात कीजिए। सीमा मैम आपने झूठ क्यों बोला? देखो जो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए उसे झूठ नहीं कहा जाता। कौन सा चैनल लग गया? शायरों की कोई कमाई नहीं होती बाबा जानी, वो जरीना तो भूखी मर जाएगी, वो वैसे ही इतना खाती है। गालिब को कमाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पैसे वाला बंदा ना। इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जोनो करवो जाकर भी अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए